हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आर्टिगा है और इसका जो एस्टिंग में प्रॉब्लम है, जो गट गट की आवाज़ मारता है लेफ़्ट साइड से। ये लेफ़्ट साइड वाला हम अभी बॉल जॉइंट को बदलने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहेगा। ये इसका बॉल जॉइंट है, टायरोडिन। ये बॉल जॉइंट इस टाइप से रहता है, जो ये स्ट्रिंग बॉक्स में लगता है। ये मैंने जैक लगा दिया है, इसका व्हील खोल के पहले बाहर निकालते हैं। व्हील बाहर निकलने के बाद इसका सोकर उकर का बोल्ट वोल्ट खोल के इसका सारे फिटिंग खोलेंगे, इसके बाद इसका बॉल जॉइंट निकलेगा। ये ब्रेक प्लेट और ये डिस्क असेंबली को भी बाहर निकाल लेते हैं और ये सोकर को भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये जो हब है, हब को, ये कैलिपर वाला पिन को खोल के भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 12 नंबर का बोल्ट लगता है कैलिपर पिन में। ये स्टेप से इसका बोल्ट रहता है, एक ऊपर लगता है, एक नीचे लगता है। ये निकल चुका है पिस्टन असेंबली। इसके बाद 17 नंबर का दो बोल्ट लगता है, इसको भी खोल लेते हैं। ये बाहर आसानी से निकल जाएगा इसको खोलने के बाद। इसके बाद डिस्क प्लेट को भी बाहर निकाल देंगे। ये मैंने बॉल जॉइंट को खोल के बाहर निकाल दिया है। इसका आर्म भी खोल के बाहर निकालना पड़ा, बॉल जॉइंट नहीं खुल रहा था वैसे। इसमें न्यू मैंने लगा दिया है, इसको इसमें हम पहले असेंबल कर देते हैं। इसके बाद आर्म और भी इसका टोटल फिटिंग करने के बाद इसका अलाइनमेंट मिला देंगे। यहीं से ये जब प्लाई हो जाता है तो डग डग की आवाज़ आता है। ये 30 नंबर का इसमें रिंच लगता है डाल रिंच, और ये इसका आर्म है, आर्म को भी हम फिट करते हैं। बड़ा बोल्ट जो लगता है आगे से लगता है और एक छोटा बोल्ट लगता है नीचे से लगता है। ये बड़ा बोल्ट है, दो साइज़ का बोल्ट इसमें लगता है। एक नीचे से बोल्ट लगता है, इसको भी हम लगा देते हैं। इसके बाद इसको फुल टाइट मारेंगे और इसके बाद टोटल फिटिंग इसका करेंगे। इसको भी मैंने लगा दिया, इसको एडजस्ट नहीं किया है अभी।
और इधर टोटल चीज़ टाइट उट करके इसका लॉक वॉक लगा दिया है मैंने चिरापिन, और ये सेंसर भी मैंने लगा दिया है, और ये पिन भी मैंने लगा दिया है। इसको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद इसका प्लेट व्लेट लगा के और इसका हॉप उप लगा देते हैं व्हील। ये डिस्प्ले है, ये कंप्लीट है। इसको लगा के इसका डिस का टोटल सामान फिट करके इसके बाद व्हील लगा देंगे, एलिमेंट मिला देंगे, कंप्लीट हो जाएगा।